और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1902 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का ध्यान मुद्रा में निधन हो गया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी और उनके शिष्यों ने कहा था कि उन्होंने महासमाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय वेद, योग और अध्यात्म को देश विदेश में पहुंचाया और हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का निधन आज ही के दिन वर्ष 1963 में हुआ था। पिंगली वेंकैया 19 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे और उन्होंने अफ्रीका में हुए एंग्लो बोर युद्ध में हिस्सा लिया था। वहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। भारत का तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए स्वराज ध्वज पर ही आधारित है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इसमें भारत की आजादी के साथ साथ भारत के विभाजन की बात भी लिखी हुई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हालांकि इसके साथ ही भारत को विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का दर्द भी सहना पड़ा था। वर्ष 1776 में आज ही के दिन अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने मिलकर नए देश के निर्माण की घोषणा की थी, जिसका नाम द यूनाइटेड स्टेट्स रखा गया था। तब यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे में 13 कॉलोनीज के प्रतीक के रूप में 13 स्टार्स होते थे, जबकि आज यूनाइटेड स्टेट्स में 50 राज्य हैं और उसके झंडे में भी इसी आधार पर 50 स्टार्स हैं। हंगेरियन आविष्कारक लियो जिलार्ड ने आज ही के दिन वर्ष 1934 में एटम बॉम्ब के चेन रिएक्शन डिजाइन के लिए पेटेंट का आवेदन किया था। ये पेटेंट मिलने के बाद लियो जिलार्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए और इसी प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका दुनिया की पहली परमाणु शक्ति बन गया। और पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज करने वाली वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1934 में हुआ था। मैरी क्यूरी के शोध ने दुनिया को रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी थी। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रेडियोलॉजिकल सेंटर्स की जरूरत महसूस की, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स की स्थापना की। इन्हें लिटिल क्यूरीज कहा जाता था और उस समय रेडियो एक्टिव पदार्थों से जुड़े सुरक्षा मानकों का अभाव हुआ करता था। और बताया जाता है कि शोध के दौरान मैरी क्यूरी अपनी जेब में रेडियो एक्टिव पदार्थ वाले टेस्ट ट्यूब्स रख लिया करती थी। वैसे ये भी एक विडंबना है कि अपनी ही खोज की वजह से मैरी क्यूरी की मौत हुई। रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से उन्हें ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया था और अंत में यही उनकी मौत का कारण बना। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के विचारों की ऊर्जा को शामिल कीजिए। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज हमारे देश को ऐसी ही सोच वाले युवाओं की जरूरत है। नमस्कार।